सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और सच कहूँ तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीति को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है। और ये उम्मीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी, दिल्ली की जनता से थी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं प्रचुर मात्रा में सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया, प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया, नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा। 70 में से 62 सीटें और लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी बम्पर जीत देकर दिल्ली के लोगों ने फिर सिद्ध किया है कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं, देश भर से आए हुए वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि सरकारों का काम लोगों के लिए सुविधाएं देना है, लोगों की ज़िंदगी में सहयोग करना है, लोगों के परिवार को समृद्ध बनाना है और अल्टीमेटली राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, काम करना है। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का, राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज ये सिद्ध हुआ है कि देश के लिए काम करने का मतलब अपने देश से प्यार करने का मतलब है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सरकार में हैं, तो देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए और सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराइए, पानी उपलब्ध कराइए। ये सब देशभक्ति है। देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा देना देशभक्ति है आज, और आज इसकी राजनीति को दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और दिल्ली का एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों ने एक और मैसेज दिया और संदेश साफ है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारे भाई हैं। बहुत कुछ जहर नफरत फैलाने की कोशिश की गई, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अब चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत खुले दिल से जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूँ। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सब ने एक मत से लिया। और उसके बाद ये तय किया कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें, उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अगले 5 साल भी जितने काम पिछले 5 साल में किए उससे ज़्यादा काम कर सकें, उनका हौसला बढ़ाएं। सभी लोगों को आना है और 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग, दिल्ली के सभी दिल्लीवासी आएं और वहां अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके शपथ भी लें कि हम सब मिलके दिल्ली को नफरत की राजनीति से ऊपर का शहर बनाएंगे और दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दे, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े अहम मुद्दे राजनीति के कोर में हों। थैंक यू। सर, अरविंद वहाँ पे शपथ लेंगे तो या पूरा कैबिनेट लेगा? नहीं, पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। सर, आप किसको बुलाया गया? इस बारे में जब डिसीजन हो जाएगा तो आपको बताएंगे। एक चीज मनीष जी, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड इज कांग्रेस पे सवाल उठे हैं तो पीसी चाको का एक रिएक्शन आया वेयर ही स्पिंड इट ऑन शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री की। कांग्रेस के बारे में मैं क्या बात? आप नहीं बात करना चाहते? वो जब होगा तो बता देंगे आपको। उस पर
पंजाबी ने आपको कहा है कि जीत की बधाई और साथ ही साथ ये कहा कि निश्चित ही हनुमान जी के शरण में जो आता है उसको आशीर्वाद मिलता है। अब समय आ गया है कि हनुमान चालीसा स्कूल में ठीक है। थैंक यू। कैबिनेट के भी लोग लेंगे कोई? हाँ, शपथ लेंगे सब, पूरे सरकार शपथ लेगी और 16 तारीख को शपथ।